सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं चौधरी प्रवीण जगतजीत ग्रुप से। आज हम कृषि जिस कृषि यंत्र की बात कर रहे हैं ये है सुपर सीडर डिस्क टाइप। जैसे थोड़ा बहुत मैं सुपर सीडर के बारे में आपको पहले बताना चाहता हूँ कि सुपर सीडर की जो इनोवेशन है या जो मार्केट में लॉन्च है वो जगतजीत ग्रुप ने ही किया था, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है। इस साल हमने बहुत अच्छे क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट बेचे हैं। आप मान के चलिए कि करीब करीब हमने 70% से अबव 70% and above हमने मार्केट शेयर लिया है, और जिसका किसान भाई बहुत अच्छा उपयोग में ला रहे हैं। और मेनली ये है कि इसके जो इस्तेमाल की अगर बात करें तो पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन रखी है किसान भाई के लिए, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से चाहे वो भारत सरकार है या किसी राज्य की सरकार है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि आगजनी ना हो, जिससे कि धुआं या वायु प्रदूषण ना हो। और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात भी नहीं है कि हम पर्यावरण को दूषित करें। तो उसके लिए ठीक है, अच्छी बात है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन उसका सॉल्यूशन चाहिए था कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम उसमें आगजनी ना करें। तो जैसे किसान भाइयों को भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे कृषि यंत्र का हम जैसी कंपनियों की जिम्मेवारी बनती है कि उनको हम प्रोवाइड करें, तो उसी के पैटर्न पे हमने सुपर सीडर को लॉन्च किया था। हमारे इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक जगतजीत सुपर सीडर कॉम्बो जो टाइन और डिस्क का कॉम्बिनेशन है, और जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये डिस्क टाइप है, ये मल्टी क्रॉप सुपर सीडर है। मल्टी क्रॉप की बात करें तो जैसे नॉर्मली जो सुपर सीडर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं मेनली वीट के लिए कि आप उसमें गेहूं की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो हमने ये बनाया है ये मल्टी क्रॉप है। मल्टी क्रॉप में जैसे बात करें हम चने की, कोई भी दाल है, मक्का है, ये सब की बिजाई कर सकता है। आपको इसके लिए ज़मीन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही आप अपनी बिजाई करके और अपनी ईंधन को, समय को, और जो सीज़न का एक समय होता है कि भी लिमिटेड सा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको बिजाई करनी है, उसमें आप अपने खेत को अच्छी तरह से बुआई उसकी कर सकते हैं। बात करें इसकी वर्किंग की तो जैसे पुआल है जो हम अमूमन जो हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे हमने कंबाइन हार्वेस्टर से अपना खेत को, हम जो भी फसल है हमने चावल की फसल को निकाल लिया, उसके बाद जो उसका रेसिड्यू बचता है वो एज इट इज़ सुपर SMS लगा के उसके कंबाइन के छोटे छोटे पीसेस हो गए, उसके बाद आपने सुपर सीडर से उसकी सीधी बुआई कर देनी है। उसमें आपको जो और कृषि यंत्र है वो उसमें लगा के उसको ज़मीन को पहले सेम उसी कंडीशन में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है कि इसमें किसान भाई की बचत बहुत होती है। जो वर्किंग के स्टेप्स हैं, पहले आप उसमें अगर प्लाव मार रहे हो, हैरो मार रहे हो, कल्टीवेटर मार रहे हो, रोटावेटर मार रहे हो, फिर उसको प्लानर से सुहागा मार रहे हो, उसके बाद आप बिजाई कर रहे हो, ये सारे प्रोसेस एक में ही आ जाते हैं इसमें। इससे आप एक बार में ही अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं। ये हमारे पास जो वेरिएंट में हमने जो बनाए हैं, हमने 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट तक हमने बनाए हैं। मार्केट में बहुत अच्छा हमें इस बात की हल्लाशेरी मिल रही है कि वाकई में कोई प्रोडक्ट आया है, और इसका जो शेयर है हमने बता दिया, हम मार्केट के इस टाइम बड़े लीडर हैं, और आप किसान भाइयों की बदौलत है कि हम मार्केट के इस चीज़ में लीडर हैं। इसकी अगर बताएं तो ये रोटावेटर के ऊपर ही इसको हम सेट करते हैं। ये जो पाइप है इनसे यहाँ इसमें आगे जो है उसमें खाद डलता है और गेहूं डलता है, जो पीछे की अटैचमेंट है इसमें आप कोई भी मोटा अनाज बोलते हैं, जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गई, दाल मूंग की होगी, या फिर मक्का हो गया, ये सब इससे बिजाई कर सकते हैं। यहाँ से आता है ये जो इसके प्रेशर रूला आगे लगा हुआ है जो सुहागे का काम करता है, और इन टाइन के बीच में इसका दाना गिरता है। जर्मिनेशन 100% होती है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। जो ये डिस्कें लगी हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बोरोन स्टील की लगी हुई हैं। ये उसके बाद ये जो प्रेशर रूला है ये उसके जो खाद डले या बीज डले उसको ढक देता है, जिससे जर्मिनेशन 100% होती है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती, और मार्केट का प्रीमियम प्रोडक्ट है।
ऑल सॉल्यूशन जो कहते हैं, हर किसी का एक ही सॉल्यूशन है और उसमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल फिट बैठता है। इसकी मेंटेनेंस की बात करें, रखरखाव की बात करें, तो कोई रोटावेटर हर किसान भाई इस्तेमाल करता है, चलाना सबको आता है और सबको पता है रोटावेटर में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। भाई मेनली इसके जो साइड गियर है और जो ये ऊपर का गियर है, बस इनकी ऑयल वगैरह अच्छे से रखें और इतनी कोई इसमें जो कंप्लेंट है वो ना के बराबर है। जो पीछे वाला सेटअप है ये एक बिजाई मशीन की तरह सेटअप है, इसकी कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। हमने जो साइड गियर है उसमें अमूमन चेन लगाते हैं, हमने उसकी जगह वहाँ पे छोटा गियर बॉक्स दिया है, जिससे जो चेन का साइज है या चेन है जो ऊपर उठ गई है एरिया से, जिसकी वजह से उसमें मिट्टी वगैरह नहीं फंसती और उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी तरीके की टूट फूट नहीं होती या फिर दिक्कत नहीं आती किसान भाई को। अगर बात करें वज़न की, वज़न इसमें भाई अच्छा हैवी प्रोडक्ट है तो वज़न इसमें करीब करीब 9 क्विंटल के आसपास है, तो इसके लिए जो ट्रैक्टर चाहिए वो मिनिमम आपका 50 से 55 HP चाहिए। ABC गियर चाहिए, ABC गियर का मतलब हो गया कि स्लो मीडियम हाई, क्योंकि इसको इसकी वर्किंग है जो वो बहुत है, जैसे पहले इसको काटना है, फिर इसको मिलाना है, फिर इसको प्रेस करना है, फिर दाना डालना है, फिर से दोबारा उसके ऊपर प्रेस करना है, तो वर्किंग एक अच्छी खासी है। तो एक एरिए को चलते हुए जितना समय चाहिए उतना समय देना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए जितनी इस ट्रैक्टर की स्पीड कम होगी उतना ही बेटर है, वो उससे सबसे बढ़िया है। बात करें कि ये इसकी ईंधन की खपत की, तेल की, तो अमूमन 7 से 8 लीटर में ये 1 एकड़ की आपकी बिजाई करता है, 1.5 घंटा 1.5 घंटे के आसपास मैक्सिमम ये इतना समय लेता है। इसको जब भी आपने इस्तेमाल में करना है, इसके अच्छे से जो भी इसका गियर ऑयल वगैरह उसको अच्छे से चेक करना है, इसको अगर रखना है तो भुरभुरी जगह पे रखना है ताकि नीचे लगे तो टाइने वगैरह किसी तरीके की इसमें टूट फूट ना आए, दो वगैरह के अच्छे से रखना है कि आपको इन फ्यूचर भी काम लेना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कृषि यंत्र बार बार नहीं लिए जाते, तो इसको आप जितना रख रखाव करोगे उतने अधिक साल इसको इस्तेमाल में ला सकेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट में इसको लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट लॉक होता है आपके टॉपलिंग पे, वो आपने ज़रूर लगाना है ताकि कोई किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। तो इन बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखते हैं तो इसका 100% रिजल्ट और 100% ही इसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूँ आपको सब ये जो हमारे जगजीत ग्रुप की तरफ से जानकारी दी आपको पसंद आई होगी, और इस प्रोडक्ट के लिए हमें इतना मार्केट से जो उत्साह मिला है या हमें बढ़ावा मिला है, उस चीज़ के लिए हम सभी किसान भाइयों के तहे दिल से धन्यवाद हैं, और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही नए नए कृषि यंत्र आप लोगों को मुहैया कराते रहेंगे। धन्यवाद।